हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले सॉलिड वर्क्स असेंबली। असेंबली में हम पहले हम पार्ट तैयार करते हैं और बाद में उसका असेंबली करते हैं। इसलिए इसको बॉटम अप असेंबली कहा जाता है। लेकिन पहला असेंबली चालू किया और असेंबली के रेफरेंस के आधार पर अगर पार्ट बनाए तो उसको टॉप डाउन असेंबली कहा जाता है। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो बॉटम अप असेंबली है। मैंने पहले ये असेंबली का पार्ट बना के रखा हुआ है, यहाँ पर फाइल में ओपन लिया, यहाँ पर सॉलिड वर्क्स में समझो कौन सा असेंबली है, यहाँ पर समझो असेंबली वन सिलेक्ट किया। हाँ, इसके पार्ट्स है। यहाँ पर पहला पार्ट, ओके, यहाँ पर पहला असेंबली अगर चालू करना है तो उसके लिए यहाँ पर फाइल में जाके यहाँ पर न्यू कमांड लेना पड़ता है और यहाँ से असेंबली टैब सेलेक्ट करना पड़ता है। टेम्पलेट्स में से ओके दिया तो असेंबली का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बिगिन असेंबली का प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्टार्ट कमांड व्हेन क्रिएटिंग न्यू असेंबली ऑप्शन चालू है करके। ये कैंसिल कर दिया समझो। यहाँ पर समझो असेंबली अगर चालू करना है तो यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में जाके यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट हमको पहला लेना पड़ता है। तो इंसर्ट कंपोनेंट का प्रॉपर्टी मैनेजर यहाँ पर ओपन होता है। यहाँ पर ब्राउज में गए और यहाँ पर पार्ट पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर सॉलिड वर्क्स में गए, यहाँ पर असेंबली वन का फोल्डर सिलेक्ट किया, असेंबली वन का फोल्डर सिलेक्ट किया और पहला पार्ट लग के रखा। पहला पार्ट कौन सा है समझो, पार्ट वन सिलेक्ट किया। ये कौन सा पार्ट आ रहा है? नहीं, ये पार्ट नहीं है, कैंसिल कर दिया। यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट लिया, ब्राउज में गए और यहाँ पर page 23 सिलेक्ट किया, शायद वही पार्ट पहला रहेगा। ये भी नहीं है, सॉरी, इंसर्ट कंपोनेंट लिया, ब्राउज में क्या, यहाँ पर स्क्वायर बोल्ट नहीं है, page 24, part 22 रहेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में देखा गया तो पता चलेगा, सिलेक्ट ए पार्ट और असेंबली टू इंसर्ट एंड देन प्लेस द कंपोनेंट इन द ग्राफिक्स एरिया, यूज द पुश पिन टू इंसर्ट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपोनेंट्स, हिट ओके बटन टू इंसर्ट ए कंपोनेंट एट द ओरिजिन। पहला पार्ट जो रहता है वो हमेशा ओरिजिन पर फिक्स करना पड़ता है, इसके लिए ओके बटन प्रेस किया तो ये पहला पार्ट ओरिजिन पर जाकर फिक्स हो जाएगा। इसके लिए ये पहले पार्ट के पहले एफ का सिंबल यहाँ पर दिखाया जाता है। अगला पार्ट अगर लाना है तो यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में गए और यहाँ से पार्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर ब्राउज में गए, यहाँ पर अगला पार्ट सेलेक्ट कर लिया, ओके दिया, ओपन लिया। अगर ये पार्ट ओके दिया तो ये पार्ट भी ओरिजिन पर जाकर सेट हो जाता है और वो भी फिक्स हो जाता है। इसके लिए इसके पहले भी एफ का सिंबल आता है। ये अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर ये डिलीट करना पड़ेगा, इस दिया, और ये पार्ट को स्क्रीन पर किधर भी क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर ब्राउज में गए, यहाँ पर अगला पार्ट सिलेक्ट कर लिया, ओपन लिया और ये पार्ट को स्क्रीन पर किधर भी क्लिक किया तो वो पार्ट यहाँ पर सेट किया जाएगा। इसके लिए स्क्रीन पर क्लिक करने से ये फिक्स नहीं होगा ओरिजिन पर जाके। अभी ये पार्ट असेंबली के विंडो में लाया हुआ है, ये पार्ट ये मेन पार्ट पर अगर बिठा, ये मेन पार्ट पर अगर बिठाना है तो इसके लिए कुछ कॉन्स्टेंट्स या रिलेशंस दिए जाते हैं, उसको मेट्स बोला जाता है। उसके लिए मेट्स में गए और यहाँ पर हम पार्ट हम सेट कर सकते हैं। फेस टू फेस अगर सेट करना है तो कोइंसिडेंट मेट लिया जाता है। यहाँ पर ज्यादातर
स्टैंडर्ड मेट से ही जो ज्यादातर असेंबली है वो सेट की जाती है। यहाँ पर स्टैंडर्ड मेट्स में पहला कोइंसिडेंट मेट लिया, यहाँ पर इसका टॉप फेस सिलेक्ट किया, फेस टू फेस, अगर फेस टू फेस या फिर प्लेन टू प्लेन एक दूसरे के ऊपर बिठाने हैं तो कोइंसिडेंट मेट लिया जाता है, ये फेस सिलेक्ट किया, और बाद में इसका बॉटम फेस सिलेक्ट किया, ये दोनों ओके दिया, तो ये वैसा कोइंसिडेंट मेट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। बाद में सर्कुलर पार्ट रहेगा, उसका एक्सिस सेम करना है तो कॉन्सेंट्रिक मेट यहाँ पर लिया जा सकता है। ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, बाद में ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, तो ये दोनों एक दूसरे पर कॉन्सेंट्रिक यहाँ पर किए जा सकते हैं। यहाँ पर ये पार्ट अभी घूम रहा है, समझो, ये रोटेट किया तो ये घुमाया जा सकता है। ये पार्ट सिलेक्ट किया और ड्रैग किया तो इसको रोटेट किया जा सकता है। ये फेस को अगर एक दूसरे को पैरेलल रखने हैं तो यहाँ पर पैरेलल मेट हमको देना पड़ेगा। अगला आता है पैरेलल मेट लिया, ये फेस सेलेक्ट किया और बाद में ये फेस सेलेक्ट किया, तो ये एक दूसरे को पैरेलल बिठाए जा सकते हैं। यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक रहने की वजह से ये फेस भी इसका एक्सिस भी इसके एक्सिस से सेम हुआ रहेगा, अगर साइज एग्जैक्ट रहता है तो। मेरे ख्याल से इतने मेट्स सफिशिएंट हुए हैं। ओके दिया, तो वैसा मेट यहाँ पर तैयार हो जाता है। अभी एक वैसा एक एक पार्ट करके हमको लाना है। यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में गए, ब्राउज में गए, अगला पार्ट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर पेज 24.2 सिलेक्ट किया, 24 इंसर्ट कंपोनेंट में गया, यहाँ पर थंबनेल प्रीव्यू ऑन रखा तो थंबनेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। पेज 24.2 पार्ट वन दे, यहाँ पर सिलेंडर पार्ट लाना है, ये पार्ट सिलेक्ट किया, हाँ ये पार्ट समझो ओके दिया, तो ये भी ओरिजिन पर जाकर फिक्स हो जाता है। अगर ऐसा कुछ गलती से होता है तो इसको अगर मूव करना है तो यहाँ पर एफ का सिंबल यहाँ पर तैयार होता है, मतलब ये फिक्स हो गया है। ये गलती से होता है तो ये पार्ट पर कर्सर लगे गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर फ्लोट ऑप्शन लिया, तो ये पार्ट को मूव किया जा सकता है। अभी इसको मूव करना है तो यहाँ पर मूव कंपोनेंट लिया, तो इसको मूव किया जा सकता है, ये पार्ट सिलेक्ट किया और ड्रैग किया, तो इसको मूव किया जा सकता है। अभी इसको एक दूसरे पर सेट करना है तो यहाँ पर कोइंसिडेंट मेट वगैरह लेना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर सर्कुलर फेस अगर रहता है तो कॉन्सेंट्रिक मेट यहाँ पर लिया जाएगा, कॉन्सेंट्रिक मेट लिया, ये फेस सिलेक्ट किया और बाद में ये फेस सिलेक्ट किया, तो ये दोनों कॉन्सेंट्रिक यहाँ पर किए जा सकते हैं। ओके दिया, यहाँ पर भी ये पिन स्लॉट का डायमीटर, ये पिन के डायमीटर से मैच करना है तो कॉन्सेंट्रिक मेट यहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक मेट लिया, ये फेस सिलेक्ट किया और बाद में ये फेस सिलेक्ट किया, तो ये कॉन्सेंट्रिक यहाँ पर किया जा सकता है। ओके दिया, और ओके दिया, तो वैसा कॉन्सेंट्रिक मेट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में अभी अगला पार्ट लाना है, यहाँ पर ब्राउज में गए, यहाँ पर बोल्ड का पार्ट थंबनेल प्रीव्यू यहाँ पर ऑन रखा, स्क्वायर बोल्ट यहाँ पर लाके रखा, ओपन लिया, ये स्क्रीन पर किधर भी क्लिक कर लिया। अगर ये पार्ट
फुली कांस्टेंट नहीं है, तो इसके पहले माइनस का साइन दिखाया जाता है, मतलब ये मूव किया जा सकता है। ठीक है, फुली कांस्टेंट या फुली मेट रहेगा तो वो उसके पहले माइनस का साइन नहीं आता है। यहाँ पर अभी ये पार्ट इसके ऊपर बिठाना है, अभी एक एक मेट देखते हैं। समझो यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर एक फेस दूसरे फेस को परपेंडिकुलर रखना है, तो परपेंडिकुलर मेट यहाँ पर लिया जा सकता है। ये फेस सिलेक्ट किया और बाद में ये फेस सिलेक्ट किया, समझो इसको थोड़ा घुमा के रखते हैं ताकि परपेंडिकुलर मेट कैसा रहेगा वो समझ में आ सकता है। इसको रोटेट अगर करना है तो यहाँ पर रोटेट कमांड ली जा सकती है। थोड़ा घुमा लिया, ओके। यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर परपेंडिकुलर मेट लिया, ये फेस सिलेक्ट किया और बाद में ये फेस सिलेक्ट किया, तो ये फेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर किए जा सकते हैं। ये भी एक्सिस सेम करना है तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक मेट हमको लेना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रिक मेट लिया, इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और बाद में इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया। यहाँ पर परपेंडिकुलर मेट में क्या था, ये थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। ये पार्ट को थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर मेट रहने की वजह से ये फेस को, ये फेस परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में सेट होता है। या फिर चाहे तो बाद में देखते हैं, ये डिलीट कर लिया, ये मेट आप डिलीट भी कर सकते हो। समझो कोई मेट बराबर नहीं हुआ है ऐसा लगता है तो वो सिलेक्ट किया, मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर एडिट फीचर लिया, तो इसको एडिट किया जा सकता है। अगर नहीं चाहिए तो वो मेट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से डिलीट ऑप्शन लिया, तो वो डिलीट किया जा सकता है। ये पार्ट को थोड़ा नीचे मूव कर लिया, अभी इधर इसको बिठाना है। यहाँ पर ये पार्ट को थोड़ा रोट घुमा लेते हैं, ओके, तो ये घूम जाएगा, ओके। थोड़ा नीचे रखते हैं, यहाँ पर ये फेस पर इसके बॉटम फेस पर इसका टॉप फेस अगर बिठाना है तो यहाँ पर कोइंसिडेंट मेट लेना पड़ेगा। फेस टू फेस अगर बिठाना है तो कोइंसिडेंट मेट यहाँ पर लेना पड़ेगा। कोइंसिडेंट मेट लिया, इसका अंदरूनी फेस सिलेक्ट किया और बाद में इसका टॉप फेस सिलेक्ट किया। यहाँ पर थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा और इसका टॉप फेस सिलेक्ट किया, तो ये दोनों कोइंसाइड किए जा सकते हैं। अभी यहाँ पर ये भी एक फेस दूसरे फेस को परपेंडिकुलर लाना है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर मेट यहाँ पर लेना पड़ेगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर मेट लिया, ये फेस सिलेक्ट किया और बाद में ये फेस सिलेक्ट किया, तो ये फेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में सेट किया जा सकते हैं। ओके दिया, बाद में यहाँ पर वैसा मेट कैसे दे जाते हैं वो अभी हम देख रहे हैं। अभी अगला पार्ट लाना है तो यहाँ पर मेट्स इंसर्ट कंपोनेंट में गए, यहाँ पर ब्राउज में गए,
यहाँ पर नट का पार्ट सिलेक्ट किया। यहाँ पर नट का पार्ट किधर गया ना? हाँ, यहाँ पर लॉक नट एक है और लॉक नट ये कौन सा है, पेज 24.3 है ना, 24.4 भी सिलेक्ट किया। एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस किया जा सकता है। तो दोनों पार्ट एक साथ लाए जा सकते हैं। ओपन लिया, यहाँ पर स्क्रीन पर किधर भी क्लिक किया, ये दूसरा पार्ट लाया हुआ है, ये नहीं चाहिए था तो ये डिलीट किया। यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में गए, यहाँ पर ये दूसरा पार्ट जो है वो लाना है, 24.4 लॉक नट, ये 24.2 ये रहेगा, हाँ ये पार्ट रहेगा शायद। तो ये पार्ट यहाँ पर बिठाया जा सकता है। अभी यहाँ पर अगला मेट लाना है, तो यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर पैरेलल देखा, परपेंडिकुलर देखा, अभी यहाँ पर टेंजेंसी देखना है। समझो ये फेस एक दूसरे को कोइंसाइड कर लिया, इसका बॉटम फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर कोइंसिडेंट मेट लिया और इसका टॉप फेस लिया और ये नट का बॉटम फेस सिलेक्ट किया, तो ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड किए जा सकते हैं। ये नट का पार्ट यहाँ पर घुमा लिया। अभी ये पार्ट कैसे भी मुझे ये नट का पार्ट इसको टच में ये नट जो है वो बोल्ट के पार्ट के अंदर जाना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर टेंजेंसी यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पर टेंजेंट मेट लिया, ये फेस सिलेक्ट किया और बाद में इसका फ्लैट फेस लिया, तो ये दोनों फेस एक दूसरे को टेंजेंट किए जाते हैं। यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया तो ये फेस एक दूसरे को यहाँ पर टेंजेंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये टेंजेंसी के रहने की वजह से ये नट का पार्ट इस बोल्ट के अंदर सेट नहीं किया जा सकता, ये नट का पार्ट इसके बाहर से ही वो घुमाया जा सकता है लेकिन अंदर नहीं जाएगा। इसलिए टेंजेंसी मेट यहाँ पर डिलीट कर लिया, काफी कम इस्तेमाल होता है, करना है तो कर सकते हो। यहाँ पर टेंजेंसी हो गया, बाद में कॉन्सेंट्रिसिटी पहले हो गया था। यहाँ पर ये पार्ट मुझे इसी पोजीशन में अगर सेट करना है तो लॉक किया जा सकता है। यहाँ पर लॉक मेट लिया, ये पार्ट बेस पार्ट लिया और बाद में ये पार्ट लिया, ओके लिया। तो ये पार्ट इसी पोजीशन में हमको लॉक हुआ दिखाई देता है। अगर कोई बिना मेट दिए, अगर मुझे और कोई मेट नहीं देना है लेकिन मुझे इसी पोजीशन में ये पार्ट को बिठाना है तो इसको लॉक करके रखा जा सकता है। ये मेट भी डिलीट किया, बाद में यहाँ पर मेट्स में गए। अगला है डिस्टेंस मेट, डिस्टेंस मेट के पहले इसको कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। ये फेस सिलेक्ट किया और ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर टेंजेंसी वगैरह डिलीट किया और लॉक मेट भी डिलीट किया, इसकी वजह से ये कॉन्सेंट्रिक मेट हम दे सकते हैं। अगला पार्ट लाना है तो यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में गए, ब्राउज में गए, नहीं पार्ट लाया हुआ है तो वो सेट किया जा सकता है। यहाँ पर इंसर्ट यहाँ पर मेट्स में गए, अभी यहाँ पर दो फेस के बीच में डिस्टेंस रखना है तो यहाँ पर डिस्टेंस मेट लिया जा सकता है। डिस्टेंस मेट लिया, इसका टॉप फेस लिया और बाद में इसका बॉटम फेस सिलेक्ट किया। ओके दिया, बाद में दोनों
दोनों कॉन्सेंट्रिक करना है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक मेट यहाँ पर लिया जा सकता है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक मेट लिया, ये फेस सिलेक्ट किया, और बाद में इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, तो ये दोनों कॉन्सेंट्रिक किए जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी ये फेस इस फेस को एंगल में सेट करना है, तो यहाँ पर एंगल मेट लिया जा सकता है, यहाँ ओके, यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया, और बाद में यहाँ पर एंगल मेट लिया, और बाद में ये फेस सिलेक्ट किया, तो ये एंगल में सेट किए जा सकते हैं। कितने में एंगल में रखना है, समझो 90 डिग्री में रखना है, तो वैसा 90 डिग्री में वो सेट किया जाएगा, या फिर 45 डिग्री में रखना है, तो यहाँ पर 45 डिग्री सेट किया जा सकता है। ये भी ओके दिया, समझो ये डिस्टेंस मेट एक का रखा था, इसकी वजह से दोनों के बीच में डिस्टेंस यहाँ पर तैयार हो चुका है। ये डिस्टेंस मेट कौन से बीच में है, यहाँ पर डिस्टेंस मेट लिया, इन दोनों नट के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस आया हुआ है। ये भी उल्टा बिठाना है, तो यहाँ पर डिस्टेंस मेट में गए, यहाँ पर ये उल्टा बिठाना है, तो यहाँ पर अलाइन की जगह एंटी अलाइन लिया, तो ये उल्टा बिठाया जा सकता है। ये उल्टा बिठाया जा सकता है। बाद में यहाँ पर ये एक का डायमेंशन ऊपर बिठाने से नीचे बिठाने से अच्छा है कि उल्टा बिठाया जाए, तो यहाँ पर फ्लिप डायमेंशन लिया, तो ये अंदर जाने की बजाय बाहर तैयार होगा, तो वैसा गैप यहाँ पर सेट किया जा सकता है। ये भी गैप यहाँ पर डिस्टेंस मेट यहाँ पर 0 का रखा, तो यहाँ पर कोइंसिडेंट मेट का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। कोइंसिडेंट मेट ले लो या फिर डिस्टेंस 0 रखो, सेम इफेक्ट आता है। ओके भैया, वैसे ही इधर भी पार्ट लाना है, अब मुझे बोल्ट का पार्ट इधर भी चाहिए, तो वापस वही पार्ट, दूसरा पार्ट, दूसरा बोल्ट का पार्ट बनाने से अच्छा है कि इसी पार्ट को हम और एक बार इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में गए, यहाँ पर ब्राउज में जाकर बोल्ट का पार्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर स्क्वायर हेड बोल्ट लिया, स्क्रीन पर ओपन लिया, स्क्रीन पर किधर भी क्लिक किया, यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर ये पार्ट सिलेक्ट, ये सर्कुलर फेस लिया, और बाद में ये सर्कुलर फेस लिया। यहाँ पर हमको सिर्फ फेसेस सिलेक्ट करने का आवश्यकता रहता है, वो मेट्स ऑटोमेटिकली ले लेता है। ये भी पार्ट उल्टा बिठाना है, तो यहाँ पर मेट अलाइनमेंट एंटी अलाइन की जगह अलाइन रखा, तो ये उल्टा बिठाया जा सकता है, तो ये बोल्ट अगर उल्टा से उल्टा करना है, तो वैसा अलाइन एंटी अलाइन हमको लेना पड़ता है। ओके दिया, बाद में ये पार्ट नीचे ड्रैग कर लिया, यहाँ पर ये पार्ट अगर बिठाना है, तो यहाँ पर वापस ये फेस सिलेक्ट किया, और बाद में इसका ये अंदरूनी फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमको पार्ट ठीक है, अंदरूनी पार्ट, अंदरूनी फेस सिलेक्ट किया, तो ये कोइंसिडेंट मेट ऑटोमेटिकली ले लेता है, उसको जो मेट सुटेबल लगता है वो मेट ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर लेता है। ये फेस एक दूसरे को पैरेलल करने हैं, तो यहाँ पर पैरेलल मेट यहाँ पर लिया जा सकता है, ये सिलेक्ट किया और बाद में ये सिलेक्ट किया, तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल किए जाएंगे।
ओके जी, बाद में नट का पार्ट बिठाना है, तो यहाँ पर वापस वही पार्ट बिठाने से अच्छा है कि कॉपी विथ मेट्स हम ले सकते हैं। यहाँ पर भी ये पार्ट, ये फेस एक दूसरे को पैरेलल रखना है, तो पैरेलल मेट यहाँ पर लिया जा सकता है, पैरेलल मेट लिया जा सकता है, ये फेस से लेके और ये फेस से लेके। तो ये कोइंसिडेंट ले लो या फिर पैरेलल ले लो, तो पैरेलल यहाँ पर बिठाया जा सके ताकि दिखने में वो अच्छा दिखता है। यही पार्ट मुझे इधर भी चाहिए। एक तो वापस इंसर्ट किया जा सकता है, यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में गए, यहाँ पर नट का पार्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर नट का पार्ट सिलेक्ट कर लिया, ये 24.2 का पार्ट है। ओपन कर लिया और इधर क्लिक कर लिया। यहाँ पर भी हमको मेट्स देना है। ओके, इसका टॉप फेस लिया और बाद में इसका बॉटम फेस लिया। ये भी पार्ट हमको रोटेट करना पड़ रहा है। अगर ये अलग विंडो में सेट करके दिखाना है तो यहाँ पर ये पार्ट सिलेक्ट किया और कमांड ताकि अलग विंडो यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। शायद 2016 में वो है, तो अलग विंडो में उस पार्ट ओपन किया जा सकता है। सप्रेस यहाँ पर राइट क्लिक करने पर भी काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। बाद में यहाँ पर ये हमको स्टैंडर्ड मेट्स ही देना पड़ेगा। मेट्स में गए, यहाँ पर इसका टॉप फेस लिया और बाद में इसका बॉटम फेस सिलेक्ट किया, ये दोनों कोइंसाइड किया, बाद में इसका सर्कुलर फेस लिया और बाद में इसका सर्कुलर फेस लिया, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक कर लिया। वापस इंसर्ट कंपोनेंट में गए, ब्राउज में। यही पार्ट अगर मुझे इधर भी चाहिए, ये नट का पार्ट, तो वापस वही पार्ट इंसर्ट करो, बाद में उसको मेट्स देते बैठो। इससे अच्छा है कि डायरेक्टली मेट्स यहाँ पर कॉपी विथ मेट्स लिया जा सकता है। यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट के एरो पर क्लिक किया और यहाँ से कॉपी विथ मेट्स कमांड लिया। यहाँ पर कंपोनेंट हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, समझो ये नट का पार्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन लिया, यहाँ पर जैसा ये ब्राउन या पर्पल कलर में दिखा रहा है वैसा ही फेस हमको यहाँ पर लेना पड़ता है। यहाँ पर इसका टॉप फेस लिया, बाद में कॉन्सेंट्रिक के लिए जैसा ये सर्कुलर फेस है वैसा इधर का सर्कुलर फेस लिया, बाद में इसका ये फेस है वैसा इधर का फेस सिलेक्ट किया, पैरेलल के लिए जैसा ब्राउन कलर में दिखा रहा है वैसा फेस सिलेक्ट करते गए, तो यहाँ पर कंपोनेंट्स आर हैव बीन प्लेस्ड। ये जब भी ग्रीन कलर में दिखाया था तो समझ में जाने का कि पार्ट प्रॉपरली सेट हो चुका है। यहाँ पर ओके दिया और बाद में कैंसिल कर लिया, तो ये पार्ट यहाँ पर बिठाया जा सकता है। पार्ट कॉपी होता है, विथ मेट्स कॉपी किया जाता है, या फिर कंट्रोल प्रेस करके इसका कॉपी बनाया जा सकता है। ये पार्ट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कर लिया, तो इसका कॉपी बनाया जा सकता है।
या फिर आगे यहाँ पर ये पैटर्न वगैरह भी लिए जा सकते हैं। पैटर्न ले लो या फिर मिरर कंपोनेंट ले लो, तो वैसा पैटर्न यहाँ पर तैयार किया जा सकता है, वो आगे आएगा बाद में। तो वैसा असेंबली यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर भी ये माइनस साइन दिखा रहा है, मतलब ये फुली मेट फुली कांस्टेंट या फुली मेट्स यहाँ पर तैयार नहीं हुए हैं, तो ये पार्ट शायद रोटेट हो सकता है, तो इसलिए इसको एंगल मेट यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर एंगल मेट लेके रखा, ये फेस लिया और बाद में ये फेस लिया, तो इसको एंगल यहाँ पर दिया जा सकता है। ओके दिया, तो अभी यहाँ पर माइनस का साइन नहीं दिख रहा है, मतलब ये फुली डिफाइंड हो चुके हैं। ये एक तरीका है, समझो कोई पार्ट पहले से ओपन कर। यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पर कोई किसी पार्ट को मॉडिफाई करना है, तो समझो यहाँ पर ये डायमीटर जो है या फिर ये स्लॉट का डायमीटर मुझे बढ़ाना है, तो एक तो ये पार्ट सिलेक्ट किया, राइट राइट क्लिक किया और यहाँ से ओपन पार्ट लिया, तो इसको अलग विंडो में ओपन किया जा सकता है और बाद में इसको मॉडिफाई जो भी करना है इसके फीचर्स सिलेक्ट करके इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ये एक तरीका है, या फिर दूसरा रास्ता है कि ये पार्ट सिलेक्ट किया तो यहाँ पर एडिट कंपोनेंट का कमांड एक्टिवेट हो जाता है। ये सिलेक्ट किया, ये पूछता है असेंबली मस्ट बी सेव्ड, पूछता है सेव एंड कंटिन्यू लिया। ये कहाँ पर सेव करना है समझो, असेंबली वन नाम से सेव किया। तो ये असेंबली यहाँ पर सेव हो जाएगी और बाद में यहाँ पर एडिट कंपोनेंट यहाँ पर चालू होता है। यहाँ पर फीचर्स में गए, तो यही पार्ट सिर्फ डार्क में दिखता है, बाकी सभी पेंट में दिखाई देते हैं, पेंट में दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये पार्ट ब्लू कलर में आया हुआ है, इसके प्लस पर क्लिक किया और इसको यहाँ पर फीचर्स का टैब यहाँ पर दिखाई देता है, तो इसमें हम जो चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। समझो यहाँ पर ये स्लॉट का डायमीटर बढ़ाना है। ओके, ये फीचर सिलेक्ट किया, यहाँ पर एडिट कंपोनेंट लिया, तो इसको एडिट किया जा सकता है। ये डायमीटर समझो 12 की जगह 16 का करना है, ये फिर 14 का करना है, तो वैसा डायमीटर यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर 12 कर लिया, यहाँ पर लंबाई थोड़ा बढ़ा लिया, समझो 20 की जगह 30 कर लिया। ओके दिया, तो वैसा ये कंपोनेंट में हम एडिट कर सकते हैं। ये पार्ट से बाहर निकलना है तो यहाँ पर एडिट कंपोनेंट बटन पर क्लिक किया, तो हम पार्ट मॉडिफिकेशन से बाहर निकल सकते हैं और बाद में ये पार्ट एडिट हुआ दिखाई देता है, और इसको कंट्रोल एस देके सेव किया तो यहाँ पर पार्ट में भी सेव होता है और असेंबली में भी सेव होता है। इसके लिए इसको एसोसिएटिव सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ये नहीं चाहिए तो यहाँ पर कंट्रोल जेड लिया तो ये अंडू किया जा सकता है। ठीक है, बाद में यहाँ पर ये असेंबली सेव करते वक्त सेव असेंबली नो करना पड़ेगा ताकि वो सेव नहीं हो जाएगा। यहाँ पर अभी तो इस तरह से पार्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं।
असेंबली के रेफरेंस के आधार पर अगर पार्ट बनाना है तो यहाँ पर न्यू पार्ट लिया जा सकता है। यहाँ पर न्यू पार्ट लिया, यहाँ पर कुछ भी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टेटस बार में देखते हैं तो यहाँ पर पूछा जाता है सिलेक्ट द फेस और प्लेन ऑन विच टू पोजिशन न्यू पार्ट, कौन सा फेस लेना है। समझो ये फेस सिलेक्ट किया तो इस फेस पर हम स्केच वगैरह बना सकते हैं और यहाँ पर नया पार्ट बनाया जा सकता है। ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया, के दिया, उसके से बाहर निकल गए और यहाँ पर फीचर्स में जाके इसको एक्सट्रूड कर लिया, ये स्केच सिलेक्ट किया तो ये एक्सट्रूड किया जा सकता है। कितने से एक्सट्रूड करना है, 40 50 कितना से एक्सट्रूड करना है वो सेट कर लिया। तो इस तरह से असेंबली के रेफरेंस के आधार पर पार्ट बनाया जा सकता है। इस पार्ट को नाम अगर बदलना है तो वैसा बदला जा सकता है। यहाँ पर रिनेम करके कुछ ऑप्शन है क्या, देखना पड़ेगा। ये पार्ट पर सिंगल क्लिक किया तो उसका नाम बदला जा सकता है। समझो ये शाफ्ट करके नाम दे के रखा, शाफ्ट 1 करके, शाफ्ट 1 असेंबली 1, ठीक है। यहाँ पर ये असेंबली से बाहर निकलते हैं, ये पार्ट सेव करके रखना है। अभी यहाँ पर ये फाइल में जाके सेव एज लिया तो ये अलग नाम से सेव किया जा सकता है। ये असेंबली 1 नाम से सेव किया, सेव लिया, असेंबली 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, रिप्लेस इट, यस लिया, कंपोनेंट डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेव्ड, सेव ऑल लिया। तो ये सेव इंटरनली लिया तो ये असेंबली के अंदर ही सेव हो जाएगा, मतलब इसका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता है। सेव एक्सटर्नली लिया तो ये पार्ट अलग से सेव किया जा सकता है। ये कहाँ पर सेव करना है वो पाथ यहाँ पर, अभी यहाँ पर ये पार्ट सेलेक्ट किया, सेव एज असेंबली, स्पेसिफाई पाथ, पाथ वगैरह देना है तो पाथ वगैरह दिया जा सकता है। सेव एज असेंबली, यहाँ पर इंटरनल टू असेंबली, यहाँ पर शार्प 1 करके सेव कर लिया। ये क्लोज कर लिया तो ये पार्ट जो है वो ये शार्प 1 करके यहाँ पर तैयार हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर शार्प 1 नाम से ये पार्ट तैयार हुआ दिखाई देता है। तो वैसा ये अलग से पार्ट हमको सेव हुआ दिखाई देता है। इस तरह से असेंबली के रेफरेंस के आधार पर आप पार्ट को बना सकते हो। ये टॉप डाउन डिजाइन हो जाएगा फिर। जैसा असेंबली के अंदर पार्ट बनाया जा सकता है वैसा असेंबली के अंदर सब असेंबली भी तैयार की जा सकती है। यहाँ पर न्यू असेंबली लिया तो नया असेंबली यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर कोई ये पूरा का पूरा असेंबली जो है वो सब असेंबली में सेट करना है तो ये कौन सा पार्ट था, ये स्क्वायर बोल्ट लिया, बाद में ये एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके रखा, ये नट सिलेक्ट किया और ये नट सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करके ड्रैग करके ये असेंबली 2 के फोल्डर में ला के रखा। यहाँ पर एरर दिख रहा है, कंट्रोल Z लिया, ये असेंबली 2 समझो ऊपर ड्रैग किया, यहाँ पर इसका सीक्वेंस बदला जा सकता है। यहाँ पर अभी ये नट 2 बोल्ट का पार्ट कौन सा है अभी, हाँ बोल्ट का पार्ट सिलेक्ट किया, एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके रखा, ये पार्ट सिलेक्ट किया, बाद में ये पार्ट सिलेक्ट किया और ड्रैग करके ये असेंबली 2 के
फोल्डर में यहाँ पर लगा, तो वैसा ये पार्ट यहाँ पर लाए जा सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल जेड लिया, ये वापस असेंबली टू नीचे ला के रखते हैं। यहाँ पर कोई नया पार्ट लाना है, यहाँ पर ये पार्ट लिख के यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट लिया, ब्राउज में गए, अभी कोई नया कोई बोल्ट का पार्ट वापस लाते हैं, स्क्वायर बोल्ट लिया, ओपन लिया, ये बोल्ट का पार्ट इस असेंबली के अंदर बिठाना है, तो ये पार्ट सिलेक्ट किया और ड्रैग करके इस असेंबली में जाकर सेट किया, वैसे ही नट का भी पार्ट लाके रखा, कंपोनेंट किया, ये लॉक नट लिया, और ये जो दूसरा नट का पार्ट सेलेक्ट किया, ओपन लिया, स्क्रीन पर किधर भी क्लिक कर लिया, ये दोनों पार्ट ये असेंबली में सेट करना है, तो ये पार्ट सेलेक्ट किया और ड्रैग करके असेंबली में लाके रखा, तो ये तीनों पार्ट का सब असेंबली आप बना सकते हो। यहाँ पर ये बाद में इनके बीच में आपको मेट देना पड़ेगा, इस तरह से सब असेंबली असेंबली के अंदर बनाई जा सकती है। बाद में यहाँ पर मेट्स हो गए, यहाँ पर स्टैंडर्ड मेट्स, अभी ज्यादातर स्टैंडर्ड मेट से ही असेंबली बनाए जाते हैं, काफी एडवांस मेट्स, मैकेनिकल मेट्स थोड़ा हाई लेवल पे रहेगा असेंबली, तो वो मेट्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो आगे आएगा आपका, लेकिन ज्यादातर नॉर्मल जो असेंबली है वो स्टैंडर्ड मेट से तैयार की जाती है। ये एक तरीका हो गया, या फिर कोई पार्ट आपने ओपन करके रखा हुआ है, समझो चार पांच पार्ट ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर पार्ट ओपन करके रखा है, समझो ये पार्ट सिलेक्ट किया, ये पार्ट सिलेक्ट किया, ये पहला क्लोज करते हैं, यहाँ पर डोंट सेव लिया, यहाँ पर फाइल में जाके ओपन कमांड लिया, यहाँ पर चार पांच पार्ट ओपन करके रखते हैं, ये पार्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये चार पांच पार्ट बना के रखा, ओपन कर लिया, एक साथ में चार पांच पार्ट यहाँ पर ओपन किए जा सकते हैं। अभी इनका असेंबली करना है, इनका असेंबली अगर करना है तो यहाँ पर फाइल में जाके मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया, तो डायरेक्टली आप असेंबली चालू कर सकते हो। तो जो पार्ट्स ओपन रहेंगे उनका लिस्ट यहाँ पर ओपन डॉक्यूमेंट में दिखाई देता है, और बाद में कौन सा पार्ट पहले लाना है वो सिलेक्ट कर लिया, पार्ट विंडो से भी आप असेंबली चालू की जा सकती है, और बाद में सेम सेम प्रोसेस है, यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट लेके आप एक एक पार्ट इंसर्ट कर सकते हो, तो असेंबली यहाँ पर तैयार की जा सकती है। आज के लिए इतना ही, देखते हैं एडिट कंपोनेंट,
इंसर्ट कंपोनेंट में ये ऑप्शंस और मेट्स। ओके थैंक यू, इतने का प्रैक्टिस कर लो, बाकी का कल देखते हैं। सर मैं हो गया ना, नहीं ठीक है, ठीक है सर।